लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे भाई का खूनी भुजंग है, इसलिए मैंने उसकी चार दीवारी में कदम रख दिया है और अब उसके अंदर की खबरें दीवारों के बाहर आएंगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया नताशा, पर कमिश्नर माथुर के लिए बहुत बुरी खबर है। ये खबर नहीं, हकीकत है सर। एक इंसान को गुनहगार कानून बनाता है और कभी कभी कानून वाले एक बेगुनाह को गुनाह की राह पर चलने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब ये कि आपका बेटा आपकी वजह से, आपकी जाति की वजह से कानून का गद्दार बन गया है और गुनहगारों के साथ मिल गया है। और ये गुनहगार हैं कौन? जिसका आप बाल भी बाका नहीं कर सके आज तक, जिन्होंने जज सक्सेना का खून किया। क्या अनाप शनाप बक रहे हो? जज सक्सेना का खून नहीं हुआ था की थी जज साहब उसी दिन की जिस दिन उन्होंने अपने बेटे को सजा दी, और जिस दिन उनके बेटे को सजा हुई उसी दिन पुलिस मुखबिर रमेश तेजानी का खून हुआ। हकीकत तो यह है सर कि रमेश तेजानी ने जो कोर्ट में छूटी गवाही दी थी उसी के सफाई देने वो जज साहब के घर गया था, और सच्चाई जानने के बाद असली गुनहगार ने दोनों का सफाई से सफाया कर दिया, और आप लोगों ने बजाय खूनी को सजा देने के एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर करण को यहां से दूर भेज दिया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि करण गुनहगारों के लिए नासूर बन चुका था, इसलिए चाल चल कर उन्होंने उसे अपनी पहुंच से दूर पहुंचा दिया। 100% यही सच्चाई है सर। जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कानून की हिफाजत करते करते आप खुद ही गुनहगार बन गए, अपने बेटे के गुनहगार, इंस्पेक्टर करण के गुनहगार। अपने बेटे को तो आप वापस लौटा के ला नहीं सकते सर, पर हो सके तो इंस्पेक्टर करण को यहां ले आइए, शायद आपके गुनाहों का बोझ हल्का हो जाए। उल्टे सवालों का बड़ा सीधा जवाब है सर। वो माधोपुर से बंबई कभी नहीं पहुंच पाएगा सूरज सिंह, क्योंकि डॉन विदेश से यहां आ गया है और अब यहां से सीधे माधोपुर जाएगा। इतने अरसे तक तुमने अपने गुस्से और सब्र का खून पिया है डॉन, मैं सही माहौल और वक्त देखकर ही किसी की मौत मुकर्रर करता हूं। चिट्ठी में डाल के उसने जो मेरी बेइज्जती की वो मेरे अंदर बदले की आग बन के चल रही है, जो उसको जला के ही ठंडी होगी। यही उस इंसल्ट का बदला होगा। अब आप ही फैसला कीजिए कि उसे जिंदा फूंकना है या मुर्दा। हमारे इस ऑपरेशन में कौन कौन से भरोसे वाले आदमी जाएंगे पापा जी? रवि माथुर। गुनाहों के रास्ते पर तुम चल तो बड़े हो रवि, लेकिन आज ये गुनाह करके तुम्हें हम सबका भरोसा जीतना है, इसलिए हमले में तुम सबसे आगे रहोगे। वो तुम्हारा होने वाला रिश्तेदार था, मरने से पहले तुम्हें बतौर गुनहगार देखेगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जिस काम से आत्मा को शांति मिलेगी वो काम मैं जरूर करूंगा। देखना अच्छी बात है, मगर मुझे अच्छा तब लगता है जब कोई मेरे बारे में ड्रीम करता है। क्यों, मेरा ही सपना देख रहे थे ना? आराम सादे कुत्ते। मैं तुम्हारे इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूं करण, और मैं तेरी हकीकत को इस दुनिया से मिटा दूंगा कुत्ते। वो भी तेरा ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि आज मैं तेरे सारे अरमान, तेरे ख्वाब मिट्टी में मिला दूंगा।
और हाँ, मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से शमशान पहुंचा रहा हूं, और देखो हकीकत में तुम्हारे मरघट पहुंचने का वक्त आ गया। और मरघट जाने से पहले तुम ये हकीकत जान लो करण, कि तुम्हारे बाप नहीं की थी, उन्हें मेरे बाप ने लटका कर इस पाप की दुनिया से हमेशा के लिए मुक्ति दे दी थी। हरामी की औलादो, मैं तुम्हें जिंदा फूंक दूंगा, तुम्हारे खानदान का आखिरी चिराग तक बुझा दूंगा। चिराग तो भैया तुम पुलिस डिपार्टमेंट में भी अपना रोशन करना चाहते थे, परंतु आज के बाद ना तो तुम किसी का चिराग जला पाओगे और ना ही बुझा पाओगे। वैसे तो ये बंदूक तुम्हारे जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझा सकती है, लेकिन ये उस दिक्की का जवाब नहीं होगा जिसमें डाल के तुमने मेरी इज्जत की मिट्टी पलीत की, और उसके लिए तुम मरोगे करण। और हाँ, मरने से पहले इस शख्स से भी मिलना जो फिलहाल तो सबसे पीछे खड़ा हुआ, लेकिन तुम्हारी मौत का बीड़ा उठाने में सबसे आगे है। रवि, तुम भी? हैरान क्यों गए करण? बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा अक्सर गलत रास्ते पर ही चलता है। इस घर को बरसात के पानी की तरह पेट्रोल में भिगो दो, ताकि इसे मरने में ना ही ज्यादा वक्त लगे और ना ही तकलीफ हो। जिंदा फूंक डाले साले को। जाते जाते साले का फर्ज मैं पूरा कर देता हूं। आपके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आंखों के देखे पर आप यकीन नहीं करते और कानों के सुने पर जू नहीं रेंगती, लेकिन आज अगर शमशान को देखकर यकीन कर सकते हो। क्या नाम था तुम्हारे दोस्त का? इंस्पेक्टर करण सक्सेना। करण सक्सेना? नहीं, ये नहीं। जहां तेरे जैसे दोस्त की याद को भुला सकूं, लेकिन एक बात अपने बाप की सौगंध खाकर कहता हूं कि जिस दिन वो लोग मुझे मिल गए जिन्होंने तुझे जलाया है, मैं उन साथों को उनके खानदान समेत जिंदा गाड़ दूंगा। देश के दुश्मन आज से मेरे जाती दुश्मन हो गए हैं। ये मुझे तेरे पास भेजना चाहते थे, पर शायद ये राक्षस ये नहीं जानते कि इन्हीं पापियों का सर्वनाश करने के लिए तुमने दोबारा जन्म दिया है एक देव कौम जो कानून तोड़कर इन सबको तबाह कर देगा। बेटी, जो दूर चला जाता है उसे तो लौटाया जा सकता है, लेकिन जो बहुत दूर चला गया उसे... मैंने करण से प्यार किया है, अब वो नहीं रहा, तो जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसी तरह मर मर कर जीऊंगी। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। रेनू जाई मस्त से देश के इस फिल्म की कामयाबी में आपका बहुत बहुत बड़ा हाथ। अरे मेरा पर्स। रुक जा। ये लो चोरा का इधर ही पड़ा है। साले, तू तो माधोपुर से भी दो हाथ आगे निकला है, पहिए लगा के चोरी करा था। इधर ला बटवा। जय सिंह, तो
मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। ये तो अपना हीरो है भाई। मैं तो इन्हीं का पता लेके भटक रहा था शहर में। शरीफों ने तो रास्ता बताया नहीं, चोर ने मिला ही दिया। अरे साहब, आपको तो मिला दिया ना, अभी हमको तो छोड़ दो ना साहब। अरे छोड़ता मैं तुझे हूँ, पुलिस स्टेशन से। ये आपका बटुआ। शुक्रिया। ये जी मुस्तफा के जय, तुम जब भी मेरी जिंदगी में आए हमेशा किसी ना किसी तरीके से तुमने मेरी मदद ही की है। अच्छा ये बताओ, यहाँ आना कैसे हुआ तुम्हारा? किसी की तलाश में। तलाश में? गांव से आदमी शहर में सिर्फ नौकरी की तलाश में आ सकता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने डैडी से कह के तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगी। अच्छा? बच्चों, मैंने तुम्हारे डैडी को वचन दिया है और ये वचन मैं हर हाल में पूरा करूंगा। लेकिन फिलहाल तुम दोनों भाई ये फैसला तो कर लो कि रेनू बेटी से शादी करेगा कौन। डैडी जल्दी आइए, डैडी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर बेटी पहले मेरी बात तो सुन। कोई बात भी इस बात से ज्यादा जरूरी नहीं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, गांव में जब मैं शूटिंग कर रही थी तो एक नौजवान ने मेरी मदद की थी। हाँ बेटी, कहा तो था। यही है वो नौजवान, और आज इन्होंने मेरा पर्स चोरी होने से बचाया है। राम राम साहब, ब्रेव मैन, ब्रेव मैन। डैडी इन्हें नौकरी की तलाश है, आप ही इन्हें अच्छी सी नौकरी दिलवा सकते हैं। प्लीज डैडी, दिलवाएंगे ना? बेटा जब हम जैसा देशभक्त नेता सारे देश का भला कर रहा है तो फिर इसका भी भला कर देते हैं, और फिर ये तो तुम्हारे काम आया है। क्यों नौजवान, कुछ पढ़े लिखे हो? जी हाँ बिल्कुल, हम अपना नाम लिखना जानते थे। कुछ काम वाम जानते हो? मेरा मतलब है ड्राइविंग, कुकिंग या सम टेक्निकल वर्क। जी माफ कीजिए, ये सब काम तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। तो भाई तुम जानते क्या हो? अन्याय के खिलाफ लड़ना और दूसरों का भला करना। भाई ये काम तुम्हारा नहीं है, ऐसे काम तो हम नेता करते हैं। हम तुम्हें नेता या मंत्री तो बना नहीं सकते। तुमने हमारी बेटी की सहायता की है, इसलिए हम तुम्हें इसका बॉडी गार्ड बना देते हैं। बॉडी गार्ड? अंग रक्षक। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी, जरूर जरूर। बेटी इसके कपड़े मेरे टेलर से सिलवा लो, ताकि ये देखने में इसी देश का लगे। चलो जय। राम राम। राम राम। इनके हंसने का बुरा मत मानना, इन्होंने गांव के भोलेपन और सादगी को कभी देखा ही नहीं है, जिसको मैंने देखा है और महसूस किया है। ये डैडी के बहुत गहरे दोस्त के बेटे हैं। एनीवे तुम धीरे धीरे सब जान जाओगे। हाँ इतना तो जान गया हूँ कि मंजिल के सही रास्ते तक पहुँच चुका हूँ, अब देखत हूँ मंजिल कब मिलत है। अरे शेर सिंह जी, इनको टैक्सी में बिठा कर टेलर का पता बता देना। यस मैम, आइए आइए। ए भैया कितनी देर लगाओगे, चलो ना। ए भाई ड्राइवर साहब। हाँ बस दो मिनट में चलता हूँ, जरा कार्बोरेटर में से कचरा साफ कर लूँ। अच्छा अच्छा, कचरा साफ कर रहे हो? हाँ कर लो कर लो, पर जल्दी करो, कपड़े सिलाने हैं हमको। अजीब सा बुरा था यार। की शकल है। क्या नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। करण तो मर चुका है। तुम दोनों के दिमाग क्या घास चरने गए हैं? तुम्हारी कार में किसी ने बॉम्ब रखकर रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया, और तुम कहते हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। नॉनसेंस। इस शहर में ये नया दुश्मन है कौन? इस बाप की दुनिया से मुक्ति दे दी थी, इस बाप की दुनिया से मुक्ति दे दी थी, इस बाप की दुनिया से मुक्ति दे दी। हेलो जम, पहचाना मुझे? कौन हो तुम? वही जिसने तेरे गलीज बेटों की जिंदगी बख्श दी। जानते हो मैंने तुम्हारे बेटों को जिंदा क्यों छोड़ा? सिर्फ इसकी, क्योंकि मैं उस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता जहां पर बेटा अपने बाप की चिता को आग दे रहा है। जब तेरी नासिर औलादें तुझे भूलेगी, फिर मैं उन्हें भी जिंदा चला दूंगा। बस इतना याद रखना कि अब मैं आ गया हूं,
और तुम सब पर मार बनकर नाचूंगा। कौन है जो मेरे सर पर मौत बनकर नाचेगा? ये कोई गैर कानूनी धंधा करने वाला है या पुलिस वाला? आखिर ये है कौन?